कुल जमाने पर मुसल्लम बादशाहत आपकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन वअला आलिहि व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद, فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم। قابل احترام ماں اور میری پیاری اسلامی بہنوں, तफसीर की गुज़श्ता मजलिस में हम सुने थे कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को बाज़ यहूदियों ने सिखाया था कि चांद के बारे में तुम अपने रसूल से, पैगंबर से पूछो कि इसका क्या माजरा है, क्या फ़लसफ़ा है कि कभी बारीक नाखून की तरह होता, कभी बिल्कुल रोटी की तरह मुकम्मल होता, क्या वजह है। यानी साइंस के हिसाब से इसके घटने या बढ़ने इसकी क्या वजह है, तो उसके बारे में जवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने दिया था कि ये पूछो कि चांद से हमारा क्या फ़ायदा। तो चांद के बारे में उसकी वजह से होने वाले फ़वाइद, फिर उसके बाद वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा। जाहिलियत के ज़माने में अरब एक चीज़ को ख़ुद से अपनी तरफ से नेकी करके समझ कर बैठ गए थे। शरीयत में उसके बारे में कोई हुक्म नहीं था, अल्लाह की तरफ से कोई कानून नहीं था, खुद अपनी मर्ज़ी से ये नेक काम, अच्छा काम समझकर जो कर रहे थे उसके बारे में बताया गया नेकी ये नहीं है। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तका, हज के दिनों में या अशुरे हरुम हज के महीनों के अंदर घर के पीछे के रास्ते से घर के अंदर जाना नेकी का काम नहीं, सामने के दरवाजे से जा सकते हैं, लेकिन तकवा तुम्हारे दिलों के अंदर हो, अल्लाह का डर हो, यह है नेकी। फिर उसके बाद अब ये आयत है वक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाहिल लदीना। असल ये आयत कब नाजिल हुई, इसके पस मंज़र में क्या है, ये बात समझें। असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से लेकर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से मक्कतुल मुकर्रमा, दारुल अमान जिसको बोला जाता था कि अमन की जगह, वहाँ जो भी आ जाए अमन, हत्ता के एक आदमी को उसके अपना दुश्मन वहाँ मिल गया, बहुत दिनों से वो तलाश करता था, हर जगह सर्च करता था, कहीं भी हाथ नहीं आता था, वहाँ दिख गया, उन्हें बदला नहीं ले सकता। वहाँ मस्जिद हराम के अंदर बाप को कत्ल करया सो आदमी भी एक आदमी को मिल जाए ना, मेरे अब्बा को कत्ल करया सो इन्हें मैं बदले में इसे मार दूँ, सज़ा देता हूँ, नहीं कर सकता, वो भी उसकी भी इजाज़त नहीं। तो एक मक्के का ये हुक्म आप जान लिए कि मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब काबतुल्लाह बनाकर फारिग हो गए, अल्लाह ताला से दुआ किए थे, या अल्लाह बलदन आमीना, इस शहर को तू अमन वाला बना दे, पीसफुल अमन वाला बना दे। तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की, अमन वाला मक्का शहर अमन वाला ही है। फिर हुरमत वाले महीने बोल के चार महीने, ज़िलक़ादा का महीना, ज़िलहिज्जा का महीना, मुहर्रम का महीना, इसी तरह से रजब का महीना, ये महीना जाहिलियत के ज़माने के कुफ़ार भी हुरमत वाले यानी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के काबिल, इज़्ज़त के एहतराम के काबिल महीने बोल के समझते थे, वो उसका लिहाज भी रखते थे। दुश्मनों से बड़ी सी बड़ी लड़ाई भी हो तो इन महीनों में लड़ते नहीं थे, क्योंकि ये रिस्पेक्ट के, इज़्ज़त के महीने ये बोल के। अब वाक़या क्या हुआ, सन 6 हिजरी का वाक़या है, हिजरत करके 6 साल हो गए थे, 6ठा साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि आप जानते हैं, लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशा अल्लाह आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम, ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि सहाबा समेत अहराम बांधकर अपना सर हलक करने का, मस्जिद मक्के के अंदर दाखिल होने का, ये सब का सब जब ख्वाब में देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मचलने लगा था, क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा, काबतुल्लाह, ये सब अल्लाह के नबी को किस कदर पसंदीदा, छोड़ कर आए थे सहाबा सब, उनकी अपनी नेटिव प्लेस, अपनी पैदाइशी, अपनी मादरी वतन, उन लोगों का सबका असल
पैदा होने की जगह बस्ती इंसान को बहुत ज़्यादा उसकी मोहब्बत दिल में रहती, चाहे वो पूरी ज़िंदगी उस बस्ती से बाहर कहीं और रहा हो, लेकिन जहाँ पैदा हुआ वहाँ की मोहब्बत तो इंसान के अंदर होती ही है। तो सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके दिलों में मक्के की मोहब्बत थी ही। अब जब वहाँ दोबारा जाने का चांस मिलता बोल के ख्वाब में देखा गया तो खुशी हो गई, अल्लाह के नबी सहाबा को सुनाए, सहाबा भी खुश हो गए, सबको मालूम वो वाकया। सहाबा समेत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे का अहराम बांधकर, क्योंकि वो हज का सीज़न, हज का टाइम तो नहीं था, उम्रे का अहराम बांधकर निकल गए। वहाँ सिटी मक्का के अंदर दाखिल होने का था, हुदैबिया जो वहाँ पर बॉर्डर के पास पड़ता है वहाँ तक पहुँचे। मुशरिकीन कुफ्फार मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर आकर मुसलमानों को रोक लिए, यहाँ तक के लड़ने के लिए तैयार हो गए थे वो लोग। फिर सुलह हो गई, हालांकि महीना कौन सा था, हुरमत वाला महीना, खुद मुशरिकीन भी उस महीने में लड़ने से बहुत दूर भागते थे, बचते थे, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों से नफरत की वजह से वो लोग लड़ने तक भी तैयार हो गए थे। लंबा वाकया हुदैबिया का पढ़ने के काबिल हो, क्या क्या हुआ, एक एक दिन भी क्या क्या हुआ, क्या क्या वाकयात पेश आए। बहरहाल आखिर में अग्रीमेंट, सुलह, सफाई हो गई, सुलह हुदैबिया करके जिसे बोलते हैं। वहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ आ गए। अग्रीमेंट क्या हुआ था, नेक्स्ट ईयर 7 ज़िलहिज्जा को हिजरत के सातवें, यानी हिजरत के सातवें साल, छठे साल जाकर रिटर्न आ गए ना, सातवें साल जाएंगे, जाकर उमरा करेंगे, 3 दिन मक्के के अंदर रहेंगे, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना, तलवार साथ में, वो नियाम के बाहर रहना नहीं, क्या क्या किस कंडीशन डाले थे वो लोग, सब मानकर अल्लाह के नबी भी आ गए थे। तो कैसा अग्रीमेंट हुआ कि उसके लायक दूसरे साल यानी हिजरत के सातवें साल ज़िलक़ादा ही के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ निकले, रवाना हुए। अब मुसलमानों के दिल में एक डाउट था, अब आप इस सवाल को अच्छा समझ जाना, इस आयत के, आयत का शान नुज़ूल, आयत के उतरने का सबब, उस वक्त क्या सिचुएशन था, सहाबा के दिल में क्या था। मुसलमानों को डर था कि देखो हमें जाते हैं मक्के को, मक्का अमन वाली बस्ती वो, और जाते हैं ज़िलक़ादे के महीने में, ये हुरमत वाले महीने, अशूर हुरम में से है, जगह मस्जिद हराम मक्का कितने एतबार से हुरमत की चीज़ें हैं। गए साल लड़ने आए जैसा, ए साल भी वो लोग अगर लड़ने आ गए तो क्या होगा, दो में से एक, या तो हमें लड़ाई करेंगे या तो हमें उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, अगर लड़ाई कर लिए तो हमें जीत को उमरा करे जा, अगर हमें लड़ाई नहीं करे तो हूँ रिटर्न आना पड़ेगा, गए साल आए जैसा, क्या होगा। अब आपको समझ में आ गया ना, मैं दोबारा बोलता हूँ, मैं अशूर हरम में से है ज़िलक़ादा का महीना, और मक्का उसकी एक हुरमत है, काबतुल्ला है, मस्जिद हराम है, अब क्या करेंगे, या तो लड़ेंगे या तो नहीं लड़ेंगे, अगर हमें मुसलमाना हमें लड़ने पर उतर गए बोले तो फिर तो हमें जीते जा, लेकिन लड़ने का एक गुनाह का काम ना हुरमत वाले महीने में, इससे बचना नहीं होगा, अगर हमें लड़े नहीं करके बोले तो रिटर्न चाहना पड़ेगा, उम्रा करने नहीं होगा, क्या करना। आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ताला बोले कि ऐ मुसलमानों डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो लोग आगे बढ़कर लड़ते हैं तो तुम्हें जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। जवाब में अब एक बात, मैं आप तफसीर को सुनने वाले आप तमाम से मैं एक बात बता दूंगा, देखो ये अचानक से ये जो आयत शुरू होती है जिहाद के बारे में, जंग के बारे में आयत है, बात चलती थी सो किसके बारे में, हज के बारे में, हज के बारे में बात चलती थी, शुरू हुई है, अभी आगे भी हज के बारे में बात चलेगी, बीच में जिहाद का, जंग का तस्कीर आ गया, तो जंग के आदाब यानी उसके भी कुछ रूल्स हैं, वो आदाब को बयान किया गया है यहाँ। क्या, नंबर वन, मुसलमानों को बोला गया देखो अब तुम्हें जाते हैं ना, स्टार्टिंग तुम्हें नहीं करना, लड़ाई झगड़ा तुम्हें स्टार्ट करना नहीं, अगर उनकी तरफ से स्टार्ट हो गया तो तुम्हें जवाब में, डिफेंस में तुम्हें मारे जा, लड़ाई करे जा। नंबर दो, कितना दुश्मना करते कि उत्ता काच उनको बदला देना सो, उन्हें एक मार कर तो तुम्हें भी एक मार, बराबर सराबर, ज़्यादा नहीं करना। स्पेशल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बोलते थे सो क्या, दुश्मन के सफ में कौन बच्चे हैं कि उनको मारना नहीं, औरतें हैं मारना नहीं, बड़े हैं बूढ़ी हैं मारना नहीं, बीमार हैं मारना नहीं, हत्ता के गैरा मेच इबादतें कर लो को उनके मंदिर में यावार हल लेने वाले आम लोगों के पास से मेल जुल नहीं रखने वाले रहे तो उनको मारना नहीं, दुश्मन रखो भी दुश्मन के अंदर इतने सारे आदाब का ख्याल करो बोल को, दुश्मनों के साथ इतना सब करो बोल को हुजूर सिखाते सो। एक सहाबी, एक रिवायत के अंदर रहता है कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी को आते, आकर पूछते या रसूल अल्लाह मेरा एक गुलाम है बड़ा शरीर है, कितना बोले तो भी समझता नहीं,
میں اسے گالیاں دینا چ پڑتا، میں اسے مارنا چ پڑتا، ذرا خیانت کرتا، بدیانتی کرتا انہیں، میں اسے مارنا چ پڑتا، اللہ اس پر بھی مجھے پکڑ کریں گے کیا؟ قیامت کے دن سوال جواب کر کو ہوتا نا، اس پر بھی کیا تمہیں معاملہ ہوں گا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، دیکھو تمہیں جتا تمہیں مارتے گالی دیتے نا، انہیں کرتا سو غلطی، تمہارے مار گالی سے بھی بڑھ کو اگر رہے تو کیا بھی نہیں پکڑ نہیں، اگر تمہیں کتا انہیں غلط کریں کہ اتواج تمہیں سزا دیے، اسے مارے گالی دیے، تب تو کیا بھی نہیں، حساب کتاب برابر ہو جائے گا، تمہیں ذرا کمج گالی دیے تھے بولے تو تمہیں اچھے جنے کر کو. تیسرا جو اللہ کے نبی بولے، دیکھو تھرڈ پوائنٹ، اللہ کے نبی بولے تمہارے گالیاں بھی تمہارا مارم بھی زیادہ رکھو، اس کی شرارت اگر کم رہی تو اللہ پکڑ کریں گے، نامہ اعمال میں تولیں گے، وزن تمہاری گالی کا مارنے کا وزن بڑھ گیا، انہیں کریا سو شرارت کا وزن کم ہے بولے تو اللہ تمہارے پکڑ کریں گے، اللہ تم نام. تو صحابی گھبرا گئے، کہتے گھبرا گئے، گھبرا کر مسجد کے کونے میں جا کو بیٹھ کو رونے، اللہ کے پاس دعا کرنا، مغفرت توبہ کرنا شروع کر ڈالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر وہ آیت ہے نا، وہ معلوم نہیں کیا بول کو آیت بھی پڑھ کو سنائے. خیر مجھے اصل میں کیا بولنا تھا، یہ جہاد کے جنگ کے بارے میں دو رولس یہاں آئے ہیں، اس کو دیکھو. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں سے آگے بڑھ کو آ کو مارتے ہیں ان کو ہمیں بدلے میں مارے جا، مگر اللہ کنڈیشن کیا لگا دیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم زیادتی مت کرو، یعنی اسٹارٹنگ تمہیں کرنا نہیں، اور کتا انہوں مارتے کہ اتنا چمارنا بڑھ کو بھی نہیں. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کیا اب بھی ذرا اس بات میں زور پیدا کرتے ہوئے اللہ کیا بولتے ہیں، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. ذرا سوچ کو دیکھو، مسلمان دشمنوں سے لڑنے کا ہے، کون کون سے دشمن، اللہ کے بھی دشمن ہیں، چلو گا ان سے جا کو لڑنے کے ٹائم میں اللہ بولتے زیادتی کر ڈالے تو مجھے پسند نہیں آئیں گے تمہیں کر کو. ہمیں ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، ہمارے اپنے رشتہ دار، پڑوسی، ان لوگوں کے ساتھ، اپنے پاس کام کرنے والوں کے، ان لوگوں کے حق میں ہمیں زیادتی کرے تو، ظلم کرے تو، پھر کیا ہمارے کتنے بدتر لوگ ہمیں ہو جائیں گے، بلکہ سوچ کے دیکھنا. اس کے بعد کی آیت ہے، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. اب ڈاؤٹ کیا تھا حضرت، صحابہ مسلمانوں سے مکے کے اندر جائیں گے، اگر وہ لوگ لڑائی اسٹارٹ کرے تو کہاں لڑنا پڑتا؟ حرمت والے مہینے میں لڑنا پڑتا، حرمت والے عزت کے رسپیکٹ کے قابل جو جگہ ہے مکہ، وہاں لڑنا پڑتا. یہ غلطی نہ حضرت، یہ ہو جائیں گی نا غلطی، کیا کرنا سو؟ اللہ بولے ہاؤ، تمہیں مکے کے اندر جا کو لڑائی اسٹارٹ کرے سنی، مکے کے اندر رہے تو بھی انہوں اسٹارٹ کرے بعد تمہیں خاموش نہیں رہنا، تمہیں تو جواب دینا چاہیے. اب وہ حرمت والی بستی ہے، حرمت والا مہینہ ہے، وہ اس کا گناہ تمنا نہیں آئے گا، ان لگا اسٹارٹ کرنے سے نہ تمہیں مارے. تو اب آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کو. اب دیکھیں ترجمہ، وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو جہاں ان کو پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. یعنی مکہ کے بارے میں بات ہوتی ہے، زیادہ اس کے بارے میں ڈیٹیل بولنے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں میں، آپ کو سمجھ میں تو آ گیا ہوگا یہ. وَالْفِتْنَةُ تو اشد من القتل، اللہ کیا بولے، سمپل بات کیا معلوم، فتنہ، مکے کے اندر رہنے والے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان کو اللہ کیا بولتے ہیں، یہ مکے کے اندر رہ کو تمہیں بتاں رکھے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کو کسی کی پوجا کرتے ہیں، سب کچھ یہ جو تمہیں کر لکھی نا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. مسلمانہ اگر تمہیں لڑائی کرے بول کو ان لگا اگر لڑائی کا جواب دے ڈالے، وہ کیا بھی بڑا فتنہ نہیں، تمہیں کرتے ہیں دیکھو یہ فتنہ، انہوں کرتے ہیں اسے مسلمانہ قتل و قتال، لڑائی اگر کرتے ہیں ڈیفنس میں، جواب دینے میں، جوابی کاروائی بولیں گے اسے، ڈیفنس میں اگر مسلمانہ مارتے ہیں بولے تو یہ کیا بھی بڑا گناہ نہیں، گناہ تو تمہارا، تم لگا شرک کر لکھی نا، یہ کتنا بڑا گناہ، وہ سمجھ میں آتا نہیں کیا بول کے اللہ پوچھتے ہیں. یہ آپ غلط نہ کو سمجھو، فتنہ ہے نا، فتنہ قسم قسم کا فتنہ ہے، قیامت کے قریب فتنے آئیں گے، رونما ہوں گے بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں. مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، گناہوں کا فتنہ، جس طرح سے آج موبائل کا فتنہ، انٹرنیٹ کا فتنہ، کیا کیا نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، واٹس اپ کا فتنہ، فیس بک کا فتنہ، کتنا نہیں بولتے گئے جا. پھر اس میں بعض فتنے ایسے ہیں کہ ہمارے ایمان کو غارت کر ڈالتے، بعض فتنے ایسے ہیں کہ میاں بیوی کو لڑا کر رکھ ڈالتے، بعض فتنے ایسے ہیں کہ پورا گھر کو اجاڑ ڈالتے. تو ایسے فتنے بہت زیادہ ہیں. سواستھ کن کی پوچھا کرتے ہیں، یہ کیا ماچس کا ڈبہ ہے، وہ زمانے میں ہمارے بچپن میں تھا،
25 पैसे आठ आने कर को, आज भी क्या भी ज़्यादा नहीं ना, 2 रुपये 5 रुपये कर को छः ना, ये क्या इसकी कीमत ही बढ़ती नहीं ना कर को बोले तो बोलिया कहते हैं आग लगाने वालों की कीमत कभी होती नहीं रहेगी। भड़काओ को छोड़ने का ना फितना, लगाओ बुझाओ के काम आकर को बोलेंगे नहीं, लगाने का इधर से उधर ले जा को। अगर किसी औरत के अंदर ये आदत है तो वो तौबा कर लें, वो एक जगह सुन लिए मालूम हो गया किसी के बारे में, उसके पास जाको लगाने का, उन्हें क्या तेरे बारे में ऐसा बोलती ना, मालूम क्या तेरे बारे में क्या बोल रखे घर को, क्या ऐसा से भी कौन भी बोलेंगे नहीं, दुश्मन रहते भी ऐसा बोलेंगे नहीं, तेरे बारे में कैसा बोलती मालूम, उन्हें मालूम कि तुम ना अगर को फ़ोन करको बोलने का, सामने जाको बोलने का, लगाने का, सास को बहू को लड़ा को छोड़ने का, माँ बेटे को लड़ाने का, बहन बहन को लड़ाने का, देवरानी झटानी बोल के क्या अंखा नहीं होता। तो अल्लाह यही बोलते हैं कि फितना है ना, फितना वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, और फितना ये कत्ल से भी ज़्यादा सख्त चीज़ है, फितना ये कत्ल से भी ज़्यादा सख्त चीज़ है। वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलूकुम फी, मैं बता दिया हूँ मैं कि मस्जिद हराम के पास लड़ाई करना सही कि नहीं की कर को बोले तो इसका जवाब क्या, अगर दुश्मन आ लड़ना शुरू कर देगा तो डिफेंस करना जवाब देना सही है, स्टार्ट करना गलत है। फतेह मक्का के टाइम में आपको मालूम हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का फतह करने के लिए जब चले गए थे ना, वहाँ ऐलान एज कर दले सहाबा को, देखो कौन भी तुम्हारे ऊपर तलवार उठा को तुमने मारने आया तो डिफेंस में मारना, नहीं तो मक्के के अंदर मारने की इजाज़त नहीं ना। तो थोड़ी देर के लिए अल्लाह जो इजाज़त दिए थे वो भी क्या डिफेंस, आगे बढ़ को हमें मारने का नहीं, बहुत अल्लाह के नबी बोले कौन हथियार उठाता है कि उसे मारना, बाकी सबको अमन, सबको अमन, पूरे दुश्मन खतरनाक लेकिन सबको अमन। हुदैबिया के मौके के अंदर भी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्के के अंदर शहीद कर डाले, बोलको एक अफवाह एक फेक न्यूज़ फैल गई थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दरख्त के नीचे तहत शजरती दरख्त के नीचे खड़े होकर पूरे सहाबा से बेयत ली, हमारी जान हमें देंगे बदला लेने के वास्ते, उस्मान को अगर कतल कर डाले हैं तो। बोलको सहाबा अपनी जान देने पर बेयत करे थे ना, युबायउनका तहत शजरती, या अल्लाह क्या मकबूल वो सहाबा थे वो। खैर इसी के बारे में यहाँ आयत के अंदर है, वला तुकातिलूहुम, और उनसे किताल मत करो, इंदल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम के पास, हत्ता युकातिलूकुम फी, मुसलमान कब कत्ल करेंगे, उन्हों मारना शुरू करे तो ना, उसी को बोलते हैं जब तक के वो तुमसे मस्जिद हराम में किताल ना करें, दुश्मन खुद आगे बढ़ को मस्जिद हराम में मारना शुरू करे तो जवाब दिए जा, हमें फूल बुनलक बैठने का नहीं वो टाइम में काम मोल। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, फिर अगर वो तुमसे क़िताल करें यानी तुम ना मारें, फ़क़्तुलूहुम तो तुम उनको कत्ल करो, उन्हों मारे तो मारना है सर जवाब। कज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, ओपन बात है, इसी तरह काफिरों की सज़ा है, अल्लाह साफ साफ बोले हैं। इस जगह में हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमको रसूल के हर हुक्म का इत्तिबा नसीब फरमा, या अल्लाह हर हुक्म का इत्तिबा नसीब फरमा, ज़्यादती करने से अपनों पर गैरों पर किसी पर भी हद से ज़्यादा करके जालिम बनने से अल्लाह तो हर हर कदम हमें बचा। उम्मत वसत खैर उम्मत का लक़ब जो हमको मिला है ना, इस लक़ब की लाज रखने की अल्लाह तो हम सबको तौफीक अता फरमा, आमीन आमीन। फ़इन इंतहौ फ़इन अल्लाह गफूरुर रहीम, फिर अगर वो बाज आ जाएं, यानी क्या मतलब, लड़ने आए काफिरा गलतीज करे सो, लेकिन अगर वो लोग तौबा कर ले पीछे हट गए, नहीं हमें लड़ते नहीं करके बोले बोलो ना, मुसलमान छो गए बोलो ना, अल्लाह माफ़ करेगा, माफ़ करने वाला बड़ा अल्लाह। फ़इन इंतहौ, फिर अगर वो बाज आ जाएँ, फ़इन अल्लाह गफूरुर रहीम, तो यकीनन अल्लाह बख्शने वाले निहायत रहम वाले हैं। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीन लिल्लाह, ये बार बार मज़मून समझा दिया हूँ मैं, यानी क्या मतलब करके बोले तो ये जो फितना उन्होंने बरपा करके रखे हैं, जुल्म जो फैला को रखे हैं, इसको ख़त्म करने के लिए एक्शन उठाने की इजाज़त है। हमें हमारी मर्ज़ी को हुकूमत पकड़ना, जगह पकड़ना, ज़मीन पकड़ना बोल को, उसके वास्ते लड़ने की इजाज़त नहीं, जुल्म ख़त्म करने के वास्ते बोल को लड़ने की इजाज़त, वो कहाँ क्या उसके लिए कंडीशंस हैं, यानी बैठे बैठे कौन से भी मुल्क वाला काम भी किसी भी मारे जा करे जा कर को नहीं, उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, मसाइल हैं। वक़ातिलूहुम, और उनसे क़िताल करो, कब तक करना, हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीन लिल्लाह, दो बातें बोल को है, नंबर एक क्या, यहाँ तक के फितना बाकी ना रहे, फितना ख़त्म कर डालो, उसके वास्ते लड़ना सो, तुम्हारी ख्वाहिश के वास्ते से भी नहीं, माल लूटने के वास्ते नहीं। व यकून अद्दीन लिल्लाह, और दीन अल्लाह ही का हो जाए, यानी इंसाफ कायम कर डालने के बाद अब वहाँ लड़ना, ज़मीन पकड़ना, वो तेल के कुएँ हैं, पेट्रोल के कुएँ हैं, वो सब कब्ज़ा करना, ये सब इरादा नहीं रहना, जुल्म ख़त्म कर डाले क्या, अब उनको उनके हिसाब से जीने के लिए छोड़ डालो, इंसाफ कायम करके जुल्म को ख़त्म करके आ जाओ बस उतना। फ़इन इंतहौ,
فلا عدوان الا علی الظالمین، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی نہیں ہے۔ غلطی کردل کو بھی کون حد سے بڑھتا اور توبہ کرے بغیر رہتا کہ انہیں ظالم، جو غلطی کر دلیا ظلم کر دلیا، لیکن حقوق اللہ حقوق العباد سب کو جان کر سب سے معافی مانگ کر ختم کر دیا تو اللہ بھی اسے معاف کر دیتے۔ یہی مضمون یہاں تک بھی آیا، اب آگے بھی وہی بات ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کیا کہتے ہیں؟ یہ مضمون میں ابھی شروع میں سمجھایا، دیکھو وہ بات ہے۔ حرمت والے مہینے کر کو چار ہیں، تو سن 6 ہجری کو ذی قعدہ کے مہینے میں اللہ کے نبی آئے تھے، واپس چلے گئے۔ 7 ہجری کو بھی ذی قعدہ ہی کے مہینے میں اللہ کے نبی آئے ہیں۔ اب لڑنا کا تو لڑے جا، بول کو پرمیشن، ذرا ڈیپ سے اچھا سمجھو۔ تمہیں گئے سال ذی قعدہ کے مہینے میں وہ لوگ لڑے لڑنے آئے، ہم لوگ مصالحت کر کو چلے گئے تھے سو، اب اس سال پھر بھی وہ لوگ لڑنے آئے تو ہمیں ڈیفنس میں مارنے کے استے اجازت ہے۔ وہ بھی حرمت والا مہینہ جب ان لوگ مارنے آئے، یہ بھی حرمت والا مہینہ اب اس سال جو جاتے ہیں۔ گئے سال لگ رہا وہ لوگ ظلم کرے تھے بولے تو، پھر بھی یہ سال ظلم کرے تو ہم نے جواب دینے میں کیا بھی غلطی نہیں ہے، یعنی ہمیں بولتے نہیں مار کے بدلے میں مار برابر ہو گیا، انہیں بھی تجھے چاکلیٹ دیا تو بھی اسے چاکلیٹ دے دلی نہیں برابر ہو گیا، انہیں بھی اسے تجھے انہیں ایک مار ماریا تو اسے ایک مار، بھائیاں بھائیاں میں لڑائی چکانے کے واسطے بھانا بھانے میں انہیں بھی مار کو ہے انہیں بھی مار کو ہے، ٹیچر کے پاس آ گئے بچے لڑ لکو، ٹیچر انہیں مجھے ماری، ٹیچر میں ہی اسے ماری انہیں مجھے ماری کر کو، دو جنے بھی بول رکھے اچھا انہیں بھی تجھے مار دے، تو کئی کو ہاتھ اٹھاتے سو اب سے ہاتھ اٹھانا کو مارنا نہیں کرنا نہیں، جاؤ بول کو سمجھا کو بھیج ڈالے، انہیں اسے بھی مار کو ہے انہیں بھی اسے مار کو ہے، برابر ہو گیا نہیں۔ ویسا اللہ کیا بولتے ہیں، گئے سال وہ لوگ لڑنے آئے نہیں تب خاموش نہ تھے، اب اس سال لڑنے آئے تو تمہیں مار دے سو، یہ کیا بھی غلطی نہیں ہو جاتی؟ الشہر الحرام بالشہر الحرام، گئے سال کا حرمت والا مہینہ ذی قعدہ کا بدل ہے اس سال کا حرمت والا مہینہ۔ گئے سال وہ لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھے گا تو اس سال تمہیں ان لگا آگے بڑھ کو آ گئے تو لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں، لڑے جا، وہ لوگ تمہارے احرام کا بھی لحاظ رکھے نہیں، مکہ کا لحاظ رکھے نہیں، حرمت والے مہینے کا لحاظ رکھے نہیں، تمہیں کس کائی کو رکھنے کا؟ آیت دیکھیں، الشہر الحرام یہ حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرامی اس حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص اور دوسری محترم چیزوں کا بھی بدلہ ہے، ہر قابل احترام چیز کا بدلہ ہوتا ہے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اس سوب کی تفسیر میں اوپر سمجھا دیا، میں صحابہ کے صحابی اپنے غلام کے بارے میں جو آ کر بولے وہ سوب سمجھا دیا تھا میں، تو اس لیے آسانی سے سمجھ گئے جا، مجھے اس میں زیادہ ڈیٹیل بولنے کی ضرورت نہیں۔ پھر جو تم پر زیادتی کرے فاعتدوا علیہ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، کتا ظلم کا بدلہ، کتا ظلم کرنا کا تو کتا انہیں کریا کہ اتج کرنا کرے، ذرا بھی بڑھنے کی اجازت نہیں۔ کیا بول کو ہے؟ بمثل ما اعتدى علیکم، اس جیسی جو اس نے تم پر زیادتی کی ہے، انہیں ایک مار مار کو ہے تمہیں دو مار مار ڈالے بولے تو تمہیں ظالم، انہیں ایک مار ماریا تمہیں بھی ایک مار مارے تب پرواہ نہیں، انہیں ایک روپے کے برابر تمہیں سوا روپے کے برابر مار ڈالے گا تو ظالم۔ کیا کیا ہے؟ واتقوا اللہ، ہمیشہ میں جیسا کہ ایک گئے بار بھی بتایا، ان سب جگہوں میں حج کا جہاد کا سب تذکرہ آتا، کون سی عبادت بھی پورا قرآن اسی سے بھرا پڑا ہے کہ تقوی، ہمیشہ تمہارے دل میں اللہ کا اگر ڈر ہے، قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا کھڑا ہونا وہ ڈر اور خیال آ گیا بولے تو پھر تو کامیاب انسان ہے تمہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو سچ کیا جھوٹ کیا سمجھا دیں، بہت سی مرتبہ جھوٹ کو سچ سمجھ جاتے ہیں، غلط کو حق سمجھ جاتے ہیں، یا اللہ ارین الحق حقا وارزقنا اتباعه وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، حق کو حق جاننے، باطل کو باطل سمجھنے کی توفیق دے، آخرت کو بنانے والے ہم سب کو بنا دے، منافقین سے، ان کے مکر سے، ان کے سازش سے، دشمنوں کی سازش سے یا اللہ ہمیں بچا کر صراط مستقیم عطا فرما۔ یہ اس جگہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرنا ہے، سال میں ایک بار قربانی کے ٹائم میں قربانی کے واسطے پیسے جو یہ کرتے نا وہ کیا، وہ بھی ہے، زکوٰۃ دیتے نا حضرت وہ کیا، وہ بھی انفاق، انفاق، ایک انفاق محدود ہوتا، ایک غیر محدود ہوتا، انفاق محدود کیا، جیسے 10 روپے دے دیے، 50 روپے دے دلے غریب کو، کوئی پیسے دے دیے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مدرسہ بنا دیے، کوئی مسجد بنا دیے،
مسجد کے لیے زمین وقف کر دی. وقف کے جتنے مال, اب آج کل جو چلتا ہے نا, کتنا وقف اس بل کے پاس ہونے نہیں دینا, اس کی مخالفت میں سارے مسلمان مرد, عورتیں, جوان, بچے, سارے کے سارے جو جو بھی موبائل رکھے ہیں سب اس میں شریک ہوتے ہیں نا. بہت بڑا ہمارا دینی ملی فریضہ ہے, بہت بڑا ثواب کا کام, خیر کا کام, ہماری ذمہ داری وقت کی. انفاق غیر محدود ہو, کیا مطلب معلوم, کوئی آدمی, کوئی عورت, کوئی زمین وقف کر دی بولو نا, مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, کسی کے لیے بول کے, وہ قیامت تک بھی اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی وہ زمین. اب اس جگہ سے جو بھی اچھا کام ہوتا رہے گا وہ ثواب ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک بھی وہاں کا ثواب ملتا چلے گا. انفاق انلمیٹیڈ ہو, خرچ کرنے کا طریقہ ہو, ایک ہوتا ہے لمیٹیڈ اور ایک ہوتا ہے انلمیٹیڈ. کسی کو عالم بنا دیے, شروع سے آخر تک پڑھا کو اسے عالم بنا دیے اسے, اب انہیں جو بھی دین کا کام کرے گا ہر نیکی کے کام میں تمہارا ثواب تم کو ملتا چلے گا. کتاب لے کر دے دیے, اس کتاب میں جب تک پڑھائی ہوتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا. اس طرح کے انفاق بہت سارے ہیں. اللہ یہ بولتے ہیں کہ وہ چنی, اس کے علاوہ بھی اور صورتیں ہیں انفاق, اس کے لیے کوئی وقت نہیں, اس کے لیے کوئی نصاب نہیں, تش دینا اس سے زیادہ دینا نہیں, بالکل جب چاہے, جہاں چاہے, جتنے کی ضرورت ہے وہاں دینا ہو. انفاق ایک روپے کی ضرورت ہے دے دیے, کسی جگہ ایک لاکھ روپے دینے کی ضرورت ہے وہاں دیے, سب انفاق. سارے مسلمانوں پر ضرورت کے جگہ میں وقت ضرورت پر خرچ کرنا ضروری فرض. اب یہ آیت ہے نا, میں اصل میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میں قسطنطینیہ, ملک روم, روم رومن امپائر بولتے ہیں نا, تو ملک روم میں غلبت الروم قرآن میں ہے نہیں, وہاں ایک علاقہ ہے قسطنطینیہ. صحابہ وہاں گئے ہیں جہاد, وہاں کے رومن امپائر کے دشمن ہیں نا, وہ سارے کے سارے ایک بڑی جماعت تیار ہو گئی تھی لڑنے کے واسطے. ادھر سے مسلمانوں کی ٹیم بھی صف بنا کر کھڑے ہو گئے, لڑنے اسٹارٹ کرنا چاہے, باقی ادھر بھی ریڈی ہیں, ادھر بھی ریڈی ہیں. ایک مسلمان آگے بڑھ کو اللہ اکبر بول کو غیروں کے قافلے کے اندر گھس گیا بیچ میں. ایک مسلمان اکیلے پورے دشمن لاکھوں میں ہیں بولے تو بیچ میں جا کو گھس گیا, دشمنوں کو مارنے شروع کر دیا. تو یہ دیکھے سو مسلمان تھے نا, بعض مسلمان بولے گئے تھے, ارے رے رے رے, وہ آدمی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا نا بھائی, کیا بھائی غلط کام نہ یہ, ایسا اکیلا کا گھس جانا سو کٹم میں, بھیڑ میں, اتنی بڑے فوج کے اندر اکیلا کیسا گھس جاتا ہے یہ مسلمان ہمارا, انہیں جا کو کہیں کو دشمن کے اس میں گھس گیا سو, اکیلا نہیں جانا تھا. قرآن میں اللہ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بول کو ہے نہیں کیا اگر کو بولے گئے تھے. وہاں ایک صحابی تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, ہمیں سب جانتے ہیں اچھی طرح سے, اللہ کے نبی جہاں جا کر قیام کرے جن کے مکان میں, انہوں بولے کہتے نہیں نہیں نہیں, مجھے معلوم یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی کر کو, یہ آیت کا یہ مطلب نہیں جو تمہیں بولتے ہیں. نزلت فینا, انہوں بولے کہتے ہیں ہم انصار, انصاری صحابہ ہیں نہیں, ہم انصار کے بارے میں آیت اتری سو. کیا تھا اس کے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اصل میں جب مدینہ منورہ صحابہ سب بحال ہو گئے, اچھا اپنے پوزیشن میں آ گئے, اچھی حالت آ گئی, تو انہوں بولے کہتے ہیں ایک زمانہ تھا ہمارے پاس باغ نہیں, ہمارے کھیت نہیں, ہمارے گھرانے خاص بالکل بہت تکلیف کی حالت گزرے ہماری, اب ہمارے پاس پورا ہے, اسلام بھی غالب ہو گیا, اسلام اب مسلمانہ کسی سے ڈرتے نہیں, کافر ہمارے سے ڈریں گے کہ پن ہمیں کسی سے ڈرتے نہیں, ہماری حالت پوری, پوزیشن اچھی ہو گئی, ہمیں مالدار ہو گئے, اچھا پیسے ہے, ہمارے پاس اپنا خاص باغ ہے, خاص کھیت ہے, خاص گھر ہے, ہمیں مدینہ کے اندر اللہ کو یہ سیف کر لیے تو بس نہیں کیا, کئی کو جا کو لڑ لکھ رہنا سو, باہر جا کو جہاد جنگ کر کو کئی کو جانا سو, یہاں چھ جا کو بیوی بچے ہمارا کھیت ہمارا بنگلہ بول کو یہ تک دیکھ لیے تو بس نہیں کیا کر کو, ایسا پوچھے گئے تھے. پوچھے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی گئے تھے, کیا سوچے صحابہ, ہمیں جا کو باہر جا کو نہیں, بعض صحابہ ہمیں باہر جا کو جنگ کرے تو ہمیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے سکا نہیں کیا, اتنے سے بستی میں مدینے میں چھجا کو جو کرنا ہے وہ کرے جانے کیا. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت نازل ہونے کا اثر کیا ہوا معلوم, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہول لائف اپنی پوری زندگی جنگوں میں جہاد میں گزار دی, حتیٰ کہ ان کی تدفین قسطنطینیہ میں ہوئی, جو لڑنے کے واسطے گئے تھے وہیں ان کی تدفین بھی ہوئی. اس قدر یہ آیت پر عمل کرتے ہوئے انہیں پوری زندگی گزار دے انہوں. تو اس آیت کا تھوڑا تھوڑا پارٹ بولتے ہوئے آتا ہوں, دیکھو, وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اور خود اپنے کو ہلاکت میں مت ڈالو, خود اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. معلوم یہاں گئے تو کہتے بھی یہ ہو جائیں گا, یہ راستہ معلوم ہو کو جانے کا. حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آتے تھے نا ہمارے پاس, حضرت کتنے بڑے حضرت, ولیوں کے ولی,
वो हज़रत बोलते थे ऐसा बोलते थे, एक जगह चांस है ख़तरे का, ख़तरा का चांस है, डर है, मालूम हो को भी वो जगह रिस्क ले तुम बिल्कुल नहीं चले गए बोले तो अपने आप को हलाकत में डालने का। मैं इसका नहीं बात करे तो इन्हें जाहिल ऐसा जवाब आने देखो मेरी बेइज्जती छूंगी, मालूम हो को भी बात करने का, इन्हें इसका नहीं ये बोलना नहीं, इसका नहीं ये करना नहीं, मालूम हो को भी जाने का, ये जगह बैठे तो ये तोहमत ना, मालूम हो को भी जाको बैठ जाने का, इससे सब अपने आप को हलाकत में डालना बोलेंगे। इसे बाज़ उलमा लिखे हैं एक आदमी गुना ज्यादा कर दल को अब बोलता जय अल्लाह मंजे कांजी माफ़ करने जाता मैं तो फुल गुना करको रखा हूँ मंजे सभी खबर में कैसा जलाएंगे मालूम अल्लाह कैसा जहन्नम में डालेंगे मालूम, ये गलत ला तुल्कू बी आईदी को मिलत तहलुका का एच माना अपने आप को हलाकत में डालो न को बोल। एक आदमी है बीवी बच्चों पर खर्च नहीं करता दूसरी जगहों में खर्च करता है हलाकत में डालता, एक आदमी बीवी बच्चों पर खर्च करता रहती भी क्या भी लिमिट रखता नहीं हराम माल ले आपको खिलाता हलाकत में डालने से मुराद। ऐसे तफसीर की किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं उसमें एक चीज़ सुसाइड भी, मालूम हो को जुवे में जाको पैसे लगाया हलाकत में डालने का, सुसाइड कर लिया हलाकत में डालना, हलाल कमाई रोज़ी है वो छोड़ देता है, अरे दूसरी कमाई तो तलाश कर ले उसके बाद ये छोड़ नहीं छोड़ दे लिया फ़ौरन, अपने आप को हलाकत में डालने का, गुनाह कर लिया है तौबा नहीं करता अपने आप को हलाकत में डाल को रखा है। ये सो भी शायद के अंदर मतलब में आता है हमें जहन में रख लेना, वला तुल्कू बी अईदीकुम इला तहलुका, खुद अपने आप को हलाकत में मत डालो। व अहसिनू अल्लाहु अकबर व अहसिनू, अल्लाह क्या बात बोले हैं देखो, एहसान आपको मैं पहले भी बताया हूँ मैं, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक इंसान की शक्ल में आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, घुटने से घुटना मिलाकर गुड़गे से गुड़गा मिलाकर बैठ कर पूछे मल ईमानू मल इस्लामू, उसमें पूछे मल एहसानू एहसान क्या बोल को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में दिए थे अंत अबूदल्ला का अन्न का तरा हो, तुम्हें जब इबादत करने के लिए खड़े होते इबादत करते तो तुम्हें ये सोच लेना कि मैं अल्लाह को देखती हूँ बिल्कुल, नहीं हज़रत उत्ता से भी नहीं उतनी बड़ी वली नहीं मेरा भी अबसरिया क्या मैं उत्ता से भी आता नहीं हज़रत ख्याल मैं अल्लाह को देख लूँ इतना आता नहीं, तो ठीक है सेकेंड दर्जा फ़िल्लम तक उन तरा हो फ़िन्नहु यराक, इतना तो भी ख्याल लाना ठीक है मैं तो अल्लाह को देखती नहीं लेकिन अल्लाह तो मुझे देखता है नहीं क्या, ये ख्याल आ गए तो भी इबादत में ऑटोमेटिक दिल जम जाएगा, अल्लाह मुझे इस वक्त देख रहा है तो अल्लाह के लिए कितना खुशू खुजू के साथ हमारी इबादत हो जाएंगी। एहसान एहसान ये दो जगह में है, एक तो लोगों के साथ एहसान, एक अल्लाह की इबादतों में एहसान। अल्लाह की इबादत में एहसान क्या, जैसा अभी मैं बोले ना ये अंदाज में इबादत करना ये एहसान, ये ज़कात में एहसान, नमाज में एहसान, रोज़े में एहसान, हज में एहसान, सब में बेहतर तरीक़ा बेहतर से बेहतर तरीक़े में करने का। एक औरत है खुश दिली से यानी तंग हो को नहीं क्या हजरत जेवर आए का तो हर साल ज़कात देना कहते वो भी इतना देना कहते बाजार से भी नहीं खुश दिली से, और किसे दी की उस पर एहसान भी जतलाती नहीं, दे दल को भूल गई वो सवाब में अल्लाह के पास लेने के वस्ते दी हूँ सो बिल्कुल, एहसान जतलाने का बोल को दिखाने का नहीं मई देखो उन्हें ऐसा है सो आगाजी में तकलीफ़ देने का नहीं, मैं तुझे देखो ही नहीं क्या ज़कात मैं तुझे पैसे देखो हूँ नहीं क्या मुझे ये काम कर मेरा ये काम सुन मेरा ये काम करना, एहसान जतलाने का भी नहीं तकलीफ़ देने का भी नहीं, और दी सो बेकार का पैसे नहीं अच्छे पैसे च उमदा पैसे च घटिया माल नहीं अच्छा माल चुने देखो है, तो ऐसा सब ज़कात देना ये ज़कात में एहसान ये उमदा तरीक़े से एहसान ज़कात के अंदर। हज में एहसान क्या, आपको मालूम आगे चलकर हमें पढ़ेंगे आगे के आयतों में आ जाएगा कि कोई गुना नहीं होना कोई जिनायतश नहीं होना हज के अंदर, गुना नहीं लड़ाई नहीं गुस्सा नहीं झगड़ा नहीं दिखावा नहीं, ये सब नहीं सो जो हज करते देखो वो एहसान हज में एहसान है। रोज़े में एहसान का मतलब क्या, रोज़ा रख लिए नहीं सो झूठा भी गीबत भी गुनाह के काम देखने का सुनने का ये सब से ऐसा सब नहीं रहना, सारे गुनाहों से बचकर जो रोज़ा रखते देखो वो रोज़ा है एहसान रोज़े में। हत्ता कि हमारे इस्लाम में तो यहाँ तक सिखा को है जानवर को कुर्बानी के टाइम में ज़बह करते देखो इज़ा ज़बह तुम फ़अहसिनुज़ ज़िबाह बल्कि उसमें भी एहसान करते क्या, तेज़ चाकू रहना मुक्के चाकू रहता नहीं कुंद जंग लगाया सो पकड़या है जंग पकड़या है सो वो काटते 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 जानवर को तकलीफ होती कटेगा नहीं करता है ज़रा 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 करके कटलक है, वहाँ भी हमने एहसान सिखाया गया कि कैसा करना बोल के। आप एक बात समझो ना, एहसान अल्लाह के साथ एहसान हुस्न ज़न अल्लाह के साथ अच्छा हुस्न अच्छा ख्याल रखना, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकुल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस कुदसी के अंदर है कि खुद अल्लाह रब ज़ुल जलाल फरमाते हैं अना इन दज़न्नी अबदी भी, मेरा बंदा मेरे बारे में क्या सोचता कि क्या थाट्स क्या ख्याल रखता कि उसके जैसा उसके लायक में चल ले तुम सो मैं माफ़ कर डालूंगा अगर कोने सोचता क्या मैं माफ़ कर डालूंगा मैं माफ़ कुछ करेंगा नहीं अगर कोने सोचता क्या मैं माफ़ कुछ करेंगा नहीं मैं
अनइंद जन्नी आबदी भी, क्या हुआ हदीस बार बार तुम्हें पढ़ को सुनते रहते, मैं खाली शॉर्ट में स्पीड बोल देता हूँ, देखो बंदा मुझे याद करे तो मैं उसे याद करता हूँ, बंदा मुझे दिल में याद करे तो मैं दिल में, उन्हें मजमे में बैठ को मुझे याद करता है क्या मैं मजमे में तुझे याद करूँगा, फरिश्तों के मजमे में, अगर उन्हें मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता तो मैं दो कदम बढ़ाता हूँ, मेरी तरफ चल को आया तो मैं दौड़ को जाता हूँ। अल्लाह अकबर, कैसी कैसी बातें। अल्लाह से हुस्ने ज़न रखो, नेक आमल हमारे बुजुर्ग हम बोलते हैं, नेक आमल हमारे से अल्लाह तौफीक दिया, नेक आमल हमारे से हो गए, बोलो ना करने का करदल को अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ मांगना एहसान, हुस्ने ज़न। ये गुनाह हो गया बोलो ना, अल्लाह ना करे तुम्हारे से मेरे से गुनाह हो गया, कोई भी गुनाह हो गया, गुनाह हो जाने के बाद तौबा करना, तौबा करते हुए क्या मालूम ख्याल रखना दिल में, अल्लाह मैं ये तौबा कर तो ना अल्लाह कबूल कर को मेरी मगफिरत कर देंगे, मगफिरत कर देंगे बोल को ख्याल रहते, ये हुस्ने ज़न। ये हुस्ने ज़न बड़े बड़े औलिया ने कहा है कि तुम अल्लाह के साथ हुस्ने ज़न रखो, हमेशा दुआ करते रहो, सारी बला मुसीबतें टल जाएंगी। मैं एक अजीब वाक़िया बच्चों को बिट टाइम स्टोरीज़ के अंदर सुनाया था, बहुत मुख्तसर सुनाया था, वो वाक़िया मैं आपको सुनाता हूँ, इस जगह के अंदर बहुत मुनासिब रहेगी वो बात, हमें अल्लाह के साथ कितना हुस्ने ज़न रखते हैं कि उसके चलाएँ। हज़रत थानवी हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, मालूम आप लोगों को बिहिश्ती ज़ेवर जो लिखे ना हज़रत, हज़रत कभी भी दुआ करे तो आंसू आते ना, आंखों से हमारे आंसू के खतरे निकलते नहीं, ये जब बचपन में मदरसे में पढ़ने के टाइम में हज़रत के पास मैं सुनिया था, जब से मेरा भी एच मामूल, अल्लाह करे मुझे आपको सबको भी अल्लाह इस अमल की तौफीक दे, गरम दो खतरे आंसू आंखों से, खून नहीं ना, खून नहीं, खून के आंसू नहीं, मामूली आंसू, गरम दो खतरे निकल जाना बड़ा मुश्किल हो गया है, इतना ज़्यादा मुरड हो गया है दिल, इतना ज़्यादा सख्त हो गया है हमारा दिल, चट्टान से भी ज़्यादा सख्त हो गया है, रोने का नामो निशान नहीं सो हो गया है, रो को दुआ करना है अल्लाह, ये क्या ये मुसीबतें मुसलमानों पर आती हैं, सो मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान, फ़िलिस्तीन के मुसलमान, कैसी हालतें आती हैं कि ये वक्फ बिल का ये भी वो भी बोल के क्या क्या हालतें, रो को दुआ कर को ही क्या, हमें हमारी ज़िम्मेदारी पूरी करने का एक वो भी सुना है तरीक़ा। खैर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कब दुआ करे तो भी आंखों से आंसू के खतरे निकलते ना, वो पूरा चेहरा गिल्ला हो जाकर रहता नहीं, चेहरे पर पूरा फेर लेते सो गते, यानी सूरत में पोछ लेते सो, आंखों से आंसू जो निकले हैं पूरे चेहरे पर पोछ लेते सो गते। तो एक तालिब इल्म है ना, मदरसा पढ़ने वाले बच्चे बच्चे अच्छे रहते, ज़बरदस्त सवाल करते, ख़तरनाक सवाल करते, उधर उतना दूर तक सोच को भी नहीं देखेंगे, वहाँ तक चल जाएंगे, पूछे कहते हैं हज़रत क्या हज़रत ये, कई को ऐसा करते हैं, नहीं बा देखो मैं अल्लाह के डर में अल्लाह की मोहब्बत में उससे निकले सो आंसू के खतरे, इसको पूरे चेहरे पर मैं ये इरादे से फेरता हूँ मैं कि अल्लाह जहन्नम में नहीं डालेंगे, जहाँ जहाँ उसके मोहब्बत में डर में या आंसू का खतरा निकल कर वो जहाँ जहाँ मैं पूछता हूँ उसे जहन्नम में नहीं डालेंगे। उसे वो तालिब इल्म पूछा कहते हैं कि हज़रत चेहरा है किच अल्लाह ऐसा करें ही करको जहन्नम में डाले, यानी करें सो गुनाह के वास्ते बोल को सज़ा देने, बाकी पूरी बॉडी बाकी पूरा जिस्म जहन्नम में डाले। तो तब हज़रत ये वाक़िया सुने जो किताबों में लिखो है, हज़रत बोले कहते देख बा औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह जब बादशाह थे, वो ज़माने में आप में से भी बहुत सारे सुने होंगे वो बिट्टे स्टोरीज़ के अंदर, उस ज़माने में एक जगह के एक नवाब का एक छोटा राजा बोलो ना उनका इंतकाल हो जाता, उनके औलाद में से छोटा एक बच्चा छे रिश्तेदार दूसरे हैं उन्हों सब मुनासिब नहीं, वो गाँव वाले बेटे को बादशाह बनाना बोलते, बेटा छोटा बच्चा ना कहते हो परवाह नहीं लेकिन होशियार बड़ा चालाक अच्छा बोल को वो गाँव के वज़ीर क्या करे हैं यानी जो मिनिस्टर रहते हैं ना उन्हों आओ बड़े के पास जाएंगे यानी प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे आओ उन्हों ओके कर डाले तो तुम्हें चाहें के चीफ मिनिस्टर कर को बोले सका। अब बच्चे को बुला लखो आते हैं, आने के टाइम में रास्ते में क्या क्या किससे क्या कहते ऐसा पूछे तो ये जवाब देना, ऐसा पूछे तो ये जवाब, ऐसा पूछे तो पूरा 99% पूरा बोल को होगा, 100% बोलो ना पूरा बोल को होगा। तब बच्चा एक सवाल करे कहते वज़ीर साहब तुम्हें बोले ना वो पूरा छोड़ डाल को नया आज एक सवाल भाषा कर डाले तो मैं क्या जवाब देना। उसे वज़ीर दिल में हाथ रख लो बोले कहते ये सवाल तुम्हारे माइंड में आया है कर तो उसका जवाब भी तुम्हें दे डालेंगे, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं करके बोलेगा। ठीक बादशाह के पास गए, इत्तिफाक से हाउज़ में वहाँ हाउस के पास बैठे थे औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, ये बच्चे के बारे में तारुफ़ करा को मिलाए तो ये बच्चा सलाम करके आगे बढ़िया ना दो हाथ भी पकड़ को हाउस में डाले सका झुका लिए कहते डाल डालूँ क्या हाउस में घर को पूछे कहते हमें बच्चे के पास खेलते हुए करते नहीं डालूँ छोड़ डालूँ नीचे डालूँ घर को तो इससे डाल डालूँ क्या करको। वो बच्चे हंसे आ गए खाली क्या अरे खाली हंसता है ना डाल डालूँ क्या बोल को बाद में नीचे उतार डाल को क्या बाब मैं डाल डालूँ क्या पूछा तो खाली हंसता है ना तो वो तो बादशाह तुम्हें मेरे दो हाथ पकड़ लखी तुम्हारे से क्या बादशाह खाली एक अंगली भी किसका तुम्हें पकड़ लिया घर को बोलेगा तो उन्हें डूबेंगा नहीं उन्हें बर्बाद छोंगा नहीं बचाने वाले तुम्हें सभी मेरा दो दो हाथ तुम्हें पकड़ को रखे हैं मैं डूबने का चांसेस नहीं मैंने मरने का क्या भी डर रच नहीं हिम्मत से था सो मैं उसके वजह से हंसलक था बोले अगर बादशाह खुश हो जाको अच्छा ठीक है इनेज बादशाह रंदे बोल को डिसाइड हो गया। ये बोलकर हज़रत बोलते
हमें अल्लाह के पास मग़फ़िरत जब भी पूछते हैं, अल्लाह की रहमत से ऐसी उम्मीद रहना हमारी। वो तालिबे इल्म को समझाया करते, देख बेटा चेहरे को तक ऐसा हमें आंसुओं के ख़तरे को मल को रख लिए थे, बोले तो चेहरे की वजह से अल्लाह पूरा जिस्म को जहन्नम से बचा देंगे। खाली तो रो को चेहरे में तक कुछ आंसू फेर ले, उसकी वजह से अल्लाह पूरे जिस्म को बचा देंगे। अल्लाह से हुस्न ज़न का यह चमाना। अम्मी अब्बा बच्चे को, छोटा बच्चा अभी चलने सीखता है, दूर खड़ा दल को बुलाते, आ इधर 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 आकर को बुलाते। उन्हें एक बार उठाया, चलने कोशिश कर, गिर गया, वो पदक पदक पर को उठते फिर भी गिर गया, उठता फिर भी गिर गया। लाड़ में प्यार में अम्मी अब्बा भाग को जाको पकड़ को लपट लेंगे, मैं गिरने गया बोलो ना, भाग को जाको बचा लेंगे। ये हमें अल्लाह की तरफ आगे बढ़ना, कदम उठाना, आगे बढ़ना छ हमारा ज़िम्मा। हमें गिर गए तो भी बचा लेंगे अल्लाह, लेकिन हमेशा अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक रहा तो ये बचाने वाले कैसा अम्मी आको गिरने वाले बच्चे को उठा को सीने से लगा लेती कि वैसा अल्लाह हमारे से हमको बचा लेंगे। एक आदमी के पास, एक बड़े अल्लाह के वली के पास से एक जने पूछे, कहते हजरत कौन तो भी मुस्तजाब दावत रहे तो बोलो ना हजरत, मैं जाको उनके पास दुआ करो, बोल को मेरी दुआ करा लेता हूँ, अल्लाह दुआ कबूल कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। सुनो बोले, कहते नहीं बा, मुझे मुस्तजाब दावत का तो मैं पहले समझाया हूँ आपको, जिनकी दुआ अल्लाह गारंटी कबूल कर लेते हैं उन मुस्तजाब दावत, मुझे मुस्तजाब दावत तो कौन भी मालूम नहीं बा, अलबत्ता मुस्तजीब दावत मुझे मालूम हो, यानी किसकी दुआ कबूल होती है करके वो तो मुझे मालूम नहीं, कौन कबूल करता है कि वो अल्लाह मुझे मालूम हो। बोले कितनी बड़ी बात देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को, मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको बोले, यानी मैं एहसान जो बोलता हूँ ना आपको, खाली अल्लाह के साथ ही किस नहीं, लोगों के साथ भी एहसान, मुआशरत में, घर के अफराद के बीच में, मुआमलात में, डीलिंग बिजनेस उसके अंदर, हर चीज़ के अंदर एहसान है। अल्लाह के नबी इसे समझाए हैं, देखो तुम्हें तुम्हारे वास्ते एक चीज़ अच्छी समझते हैं, लोगों के वास्ते भी अच्छी समझना, एक एहसान। एक चीज़ तुम ना पसंद नहीं, तुम ना अपने वास्ते तुम्हें बुरा समझते हैं, लोगों के वास्ते भी वो बुरा कर को समझना, ये एहसान। एहसान का मामला करो, लोगों को सिखाओ, लोगों को तालीम दो, उर्दू सिखाए, अरबी सिखाए, कुरान पढ़ना सिखाए, लोगों को नमाज सिखाए, लोगों को हज के मसाइल सिखाए, लोगों को ज़कात के बारे में बताए, रोज़े के बारे में बताए, अमर बिल मारूफ़ करें, नहीं अनिल मुनकर करें, ये सब एहसान चाहिए। लोगों की ज़रूरत पूरी करें, पैसे ही नहीं रहता, दूसरे भी कई किस्म के रहते, कोई बीमार है, बीमार की इयादत करने चले गए, ये भी एहसान। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, लिल्लज़ीन अहसनुल हुस्ना वज़ियादा, एहसान का मामला कौन करते कि अल्लाह उनका कितना सवाब है कि उतना च नहीं, उससे भी बड़को एक्स्ट्रा भी देते हैं, बोल को अल्लाह बोले हैं, बड़े बोलते हैं बोले तो उनकी शान बड़ी रहती। तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ करके बोले तो कितना ज़्यादा लेने जाते, अल्लाह बहुत ज़्यादा देता हूँ तो अल्लाह अकबर, हमें अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मेरे ख्याल में इसी में बात, इसी बात में अभी बहुत सारी बातें बोलने की हैं, लेकिन इसी में पूरा वक्त ख़त्म हो गया है। चलें हमें अल्लाह ताला से इस जगह में दुआ कर लेते हैं कि या अल्लाह, ये तेरी हमको दी हुई जान है, हमारे पास दौलत है, हमारे पास वक्त है, ये पूरा तेरा अतिया, हमारी सेहत सब का सब, ये सब आपके लिए, आपके दीन के लिए काम आ जाए, इसमें हमारी सआदत है। या अल्लाह इस बात की तो हमको तौफीक दे दे कि ये सब तेरे काम आ जाने के लिए, आखिरत बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर लें, और या अल्लाह तो हमको अपने मुहसिनीन बंदों में शामिल फरमा, क्योंकि आयत देखो कितनी प्यारी है, व अहसिनू, और तुम नेकी करो, इन अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह हम सबको मुहसिनीन में शामिल फरमाए, आमीन। व आखिर दुआवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।